हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन, जहां पे मैं आपको मार्केट का टॉप बॉटम बताने की कोशिश करता हूँ, लक्ष्मण रेखा के माध्यम से आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और मार्केट में किस जगह पे बड़े प्लेयर बैठे हैं और किस जगह पे छोटे रिटेलर्स बैठे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट में जो कल गिरावट आनी थी, आज मार्केट में गिरावट आई और सुबह सुबह 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन आप जो मेरा नारा है बॉस की एडिक्शन नहीं करने वाली, लत नहीं लगानी है ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग मजे के लिए करनी चाहिए, 10-15 मिनट काम करो, पैसा बने, घर जाओ, सिस्टम को क्लोज करो, बात खत्म। तो यही चीज आज भी मैंने करी, वही आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे देखा जाए। डिस्क्लेमर, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद एडिट करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सीधे निफ्टी फ्यूचर्स की, जो कि ब्यूटीफुली, मतलब दिल खुश हो गया यार। कल जो लेवल्स आपको मैंने बताए थे, 24,470, 24,547 आया, डबल टॉप बनाया, बेस बनाया और देखो क्या जबरदस्त फॉल आया। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रेडिक्शन। अब जो मैंने कल आपको अपडेट किया था, ये बताया था कि बॉस मार्केट 270 और 170 का इंपॉर्टेंट हर्डल होगा, इस जोन में आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की मिलनी चाहिए। आप खुद देखो, देर इज नो अपॉर्चुनिटी, यहां पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जबकि इसी लक्ष्मण रेखा पे यहां पे इसे रिटेस्ट किया, मार्केट आया, गिरता चले गया, आया एग्जैक्ट इसी जगह पर रिटेस्ट करके 270 को। अब इसने लक्ष्मण रेखा बनाकर वहां से शार्प फॉल आया, जो कि 270 से सीधे 127 का, और यही एक हडल बताया। तो ये हडल तो सीधे गिरता चले गया, एग्जैक्ट देखो नेक्स्ट हडल जो ये था, इसी जगह पर बाउंस बैक, फिर इसी जगह पे मार्केट कबड्डी कबड्डी खेलती रही और इसी जोन पे क्लोज हो गई। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रोडक्शन, ये कोई तुक्का नहीं है। अच्छा, मैंने ये हडल यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, मैंने यही हडल यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया। तो इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा लक्ष्मण रेखा जो कि एक्चुअली में लक्ष्मण रेखा की तरह काम करे, इसलिए मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये रात गई बात गई, कल जो हुआ कल हुआ, कल क्या करना है ध्यान से समझना। याद है 24,127 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेल नहीं करना है, कोई अपॉर्चुनिटी ना, बोला था कल भी वीडियो में लाइव बताया था। नहीं विश्वास, कल की बात आजकल का खोल लेना और जाके चेक कर लेना, बताया था कि क्या था एग्जैक्ट 127, बोला था कि बोला था, और यही सब मार्केट में बाउंस बैक दिया है। अब 27,127 आज भी रिपीट कर रहा हूं, अगर कल 10 मिनट नीचे, इसके नीचे सस्टेन कर गई तो भैया एक बड़ा लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। और आपको याद है 300 से 600 पॉइंट के लेवल्स बताए थे, तो नोट करो 24,127 के नीचे 23,947, 23,770 और 23,670, 647 तक का लेवल आएगा, और इस जोन में आकर ये जो जोन है ये एक बाइंग जोन आपको देखने को मिलेगी इस जोन पर, राइट। तो अगर बाई चांस कल 127 के नीचे आता है तो पहला हर्डल 23,947 या यहां तक आएगा, उसके बाद यहां से बाउंस बैक देगा। अगर इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन हुई 23,770, उसके बाद 670, उसके बाद 647 तक का लेवल होगा और यहीं पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनेंगे, बात खत्म। अगर बाई चांस कल गैप अप खुलता है तो भैया नो बाइंग एट ऑल, एनी डे गेट अ बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी। तो ये लक्ष्मण, ये जो क्रॉस ओवर है, ये जो क्रॉस ओवर है और ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसी जोन में आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी है सेल करने की, नथिंग एल्स। हाँ, अगर ये क्रॉस ओवर आपके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपने लेवल्स अपडेट करूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कहाँ पे क्या लगाना है, सो दैट आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना मार्केट में पोजिशन बना सकते हैं। डिस्क्लेमर, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद अटेंड करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन को। और जो मेरा ऊपर का लक्ष्मण रेखा है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो सो दोस्तों प्लीज मार्क कर लेना 24,270, एक छोटा सा हर्डल, फुल एंड फाइनल हर्डल 24,470, 547, ओनली थिंग फॉर द अगेन सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का सोचेंगे, बात खत्म। लोअर लेवल की अगर मैं बात करूं तो 947 एक नीचे का लोअर लेवल है, अगर इसके नीचे आता तो फिर वहां से आपको करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो नीचे का ये हर्डल सेलिंग साइड के लिए और ऊपर 470 का हर्डल, ये लगा लो, मार्केट हो सकता है कल रेंज में रहे, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी ऑपरेटर का पोजिशन भी देखेंगे, ऑपरेटर कहाँ पे बैठे हैं, कॉल राइटर्स में बैठे, पुट राइटर्स बैठे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो बाइंग करना चाहते हैं, क्या वो सेल करके गए, आज कितनी क्वांटिटी में काम किया, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए, सारी चीज वीडियो के एनालिसिस करेंगे, सो दैट आप सीख सको और सीख कर मार्केट में पैसा बनाने का मजा ही अलग है। अगर मैं अगर बात करूं, अब देखिए
ध्यान से समझना, याद है 856 के नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल, पहला 456 का अचीव्ड पिन पॉइंट। देखो कितना जबरदस्त इसी जगह पे हमारा लक्ष्मण रेखा काम करता है। उसके बाद दूसरा 257 का दूसरा देखो पिन पॉइंट, उसके बाद 157 और 847 के रेंज में ओनली थिंग फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो वेट, अगर ये कल इसके ऊपर 250, नोट करिए 50,256 के अगर ये ऊपर सस्टेन करेगी 10 मिनट, तो 456 का पहला, 50,856 का दोबारा दूसरा टारगेट ऊपर देखने को मिल सकता है। बाई चांस अगर ये नीचे की तरफ, अगर यानी कि 49,856 के नीचे अगर ये क्लोज हो गई, तो भैया 49,456, 49,156 तक का लेवल आपको लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ये जो 250, 256 और 856 के अगर जोन में रहा तो मार्केट पूरे जोन में रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। बात ही सिंपल सा है। और इसके सारे नोटिफिकेशंस प्लीज कमेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको मिल जाएगा, सो दैट आपको बिलीव हो जाएगा करना क्या है। अब बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, उसका चेंज इन ओपन दोनों बराबर ही है, एक जैसे डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं मेरे दोस्तों। कैन यू बिलीव इट, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप बिलीव करो कि नहीं, पता पता नहीं मेरे को। कल की इसकी एक्सपायरी है 14 तारीख की। अब कैन यू बिलीव इट, 24,400, 24,300, ये डंडी देखो कितने बड़े बड़े डंडी खोल के बैठा है। और अगर मैं 24,400 की बात करूं ना आपसे, तो 24,400 पे 4.5% का कॉन्ट्रैक्ट, 4.5% कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए हैं। और अगर मैं 24,200 की बात करूं, यानी कि इस लेवल पे, एक ये वाला लेवल पे आप देखो, ये डार्क लाइन है और ये थोड़ा सा डॉट डॉट मतलब स्ट्रिप लाइंस है, राइट। अगर मैं बात करूं इतना पहले था, आज आज में इतने नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं, इसका मतलब आपका 51%, सॉरी 100, आई एम सो सॉरी, 51% कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए, 51% से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए हैं। जो कि अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो देखिए सर कितना, 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए हैं, जिसमें सुबह 9:15 पे सिर्फ 11 लाख थे, शाम को 3:30 बजे तक जाते थे 54 लाख, यानी कि 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट न्यू ओपन ऐड हुए आज के आज ही। पुट आधा है तो भैया एक रॉक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कितने का, 24,200 का स्पॉट प्राइस का निफ्टी, ये लेवल जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 24,300 का, आप देखें 24,300 में भी एक जबरदस्त, मतलब माइंड ब्लोइंग जिसको मैं बोल रहा हूं, 24,300 पे 177% नए कॉन्ट्रैक्ट, नए ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हो गए हैं। कितने, 24,300 पे, यानी कि इस पे देखो कितना रेट था, देखो यहां पे रेट था सर, कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं बताइए, 177% कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, यानी कि मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, 52,24,000 कॉन्ट्रैक्ट ये ऐड हुए आज। जो रॉक मार्केट ये बोलना चाहता है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मैं इसके ऊपर धड़ल्ले से खड़ा हूं, मैं इसके ऊपर जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद जो एक और जो रेजिस्टेंस बना रहा है 24,500 का, यहां पे भी आप देख लो 24,500 में भी एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए ऑलमोस्ट 50% के ऊपर। अब अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, मार्केट आज यहां पे इस जगह पे ये हल्का है, कहां पे है प्रेशर, 24,000 पे एक अच्छा खासा बैठा है, यानी कि 24,000 के रेट पे पुट इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट यानी कि 24,000 के रेट पे जो सपोर्ट है वो एक पावरफुल मिल रहा है। अगर 24,000 का लेवल कल टूटता है तो फिर आपको धुआंधार जो कल की बैटिंग है, जो लेवल्स मैंने कल की बात आज बताई है, वो आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 24,000 लोअर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ऊपर का है 24,200, 24,300 और 24,400। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके किस तरफ मार्केट दिख रहा है, डेटा आपको क्या बोल रहा है, डेटा से आपको क्या समझ में आए, सो दैट मुझे भी समझ में आए आपको चीजें, मैं आपको प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, वो भी समझ लेते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी मेरे दोस्त, देखो
मजेदार चीज। एक दो, एक दो, यानी कि 50,550,000 मार्केट का है, 49,830 के आसपास। वीक किस तरफ लग रहा है आप मुझे बताओ, इस तरफ झुकाव ज्यादा है, यानी कि ये कॉल साइड में पावरफुल रेजिस्टेंस बना के बैठा, यानी कि कॉल राइटिंग हो रखी है इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं बात करूं 50,500, देखो कल यहां तक था, आज आज में इतने नए ऐड हो गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं, जो कि 200% है, 200%, 200% यहां पे इंक्रीज हो गए हैं कॉल ओपन इंटरेस्ट में। कितने लाख क्वांटिटी की, ये भी मैं आपको बता देता हूं, 28 लाख क्वांटिटी यहां पे ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा में ऐड हुए हैं जो पहले नहीं थे आज। तो कितना रॉक रेजिस्टेंस बना के बैठा है। अगर मैं इमीडिएट बेसिस की बात करूं तो ये एक है, इसमें आप देखो 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जो कि 50,000 के आसपास हुए हैं। 50,000 में अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी 200% कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यहां पे भी 200% कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, रॉक रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पे बात करूं सर, यहां से ढीले हुए हैं, थोड़ा सा हल्का हुआ है। आप देखो अगर मैं बात करूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 49,500 का नीचे सपोर्ट है, दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 49,000 के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ऊपर नीचे हडल मानता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 49,800 ये आपका लेवल्स की अगर मैं बात करूं, यस 49,800 के नीचे कल अगर ये क्लोज देता है फ्यूचर का प्राइस, तो आपको ये लेवल्स पे देखने को मिलेंगे, नीचे 500, 700, 800 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो प्लीज अपना ट्रेड सोचकर समझ कर लीजिए, सीख कर लीजिए, और मोर इंपॉर्टेंट अच्छे से समझिए और फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान करिए। और आज जो हमने एक छोटा सा अकाउंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 लाख रुपए का अकाउंट, 1.5-2-3 लाख रुपए का अकाउंट रहता है, इसके ऊपर आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2,37,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। बैंक निफ्टी पुट में लिया, बैंक निफ्टी पुट में लिया, डिक्सन कॉल में लिया, 2,000 रुपए निकल लेके निकल गए। इपका लैब 61,000 रुपीज का प्रॉफिट लिया। गो एंड चेक इपका लैब, मैंने आज दोपहर को ट्रेड लिया था, किस टाइम बताऊं, देखो इपका लैब मैं आपको दिखाता हूं, क्या जबरदस्त। और मैं सिर्फ और सिर्फ यही सिखाने की बात करता हूँ कि 15 मिनट काम करो और बाकी पूरे दिन आराम। उसके बाद आज ऐसी मूड कर गया तो मैं ट्रेड कर गया, कहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने जो ट्रेड उतारा, जब ये न्यूज आई, जो कैंडल बन रहा है देख रहे हो, जब ये कैंडल बना मैंने कहा समथिंग कुकिंग वेरी गुड, बस इस कैंडल का डिस्काउंट होने का वेट कर रहा था। डिस्काउंट कब हुआ, अगला कैंडल फिर ग्रीन आया, फिर दिखाया मैं बुलिश हूं, मैंने बाइंग नहीं करी। जब ये पैनिक हुआ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद जब ये चीज यहां पे सेटअप बना, मैंने कहा कि बॉस अब यहां पे कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो इस डोजी के पैटर्न पे मैंने यहां पे माल उठाया, और इसी दो कैंडल के अंदर, 2-3 कैंडल के अंदर कितने का प्रॉफिट, 60, मैं आपको दिखा देता हूं, 61,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। लाइव दिखाता हूं, अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूं तो आप देखो, पकड़ सकते हो मेरे को, आप देखिए इपका लैब कितने पे ट्रेड हुआ मेरे दोस्त, 13,26, 13,28, ठीक है, 53, 53, देख लो 36, 39, 43, 43, इसी झटके मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो जो ट्रेड यहां पे लिया, मैं बस यहां पे अपना एड ऑन करता रहा इस रैली के अंदर, क्योंकि मुझे पता था समथिंग कुकिंग भी, तो पहले ये ट्रैप करेगा, तो ये ट्रैप कर रहे थे, मैं अपनी चीज यहां पे लेता रहा। मैंने कहा कि भाई ये उठाओ उठाओ उठाओ, इसी जगह डोजी मिला, मुझे कंफर्म मिला, मैंने कहा भाई ये 2-3 ट्रेड के अंदर मेरा प्रॉफिट बना, गो एंड चेक। और जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था, आप देख लो 9:32 के अंदर मेरा ट्रेड सेटअप क्लोज हो गया था, प्रॉफिट लॉक करके मैं जा चुका था। और यहीं पे मैंने आपको सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल में गो एंड चेक मैंने एमटीएम भी शेयर कर दिया था कि भैया इतने पैसे मेरे बन गए, आज का काम खत्म। और थोड़ा सा लालच, तो मन बच्चा है तो थोड़ा सा ट्रेड करके 2,37,000 रुपये आज इंट्राडे में बन गया। तो ये मैं आपको सिखाने की बात करता हूँ, ये समझने की बात करता हूँ, आपको रोज बैठ के गधों की तरह ट्रेड नहीं करना। मेरा पर्पज है लिमिटेड ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, 100 सुनार की एक के नीरज सच के, 2 ही ट्रेड करने हैं पूरे दिन, लेकिन जबरदस्त करना है। ये थॉट प्रोसेस से ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। मैंने आज सिर्फ और सिर्फ सुबह ये 2 ट्रेड लिए थे, सॉरी
ये और ये मैंने दो ट्रेड लिए थे। उसके बाद आफ्टरनून के बाद मेरा जो दोपहर का सेटअप है, उस दोपहर के सेटअप में मैंने इसमें और इसमें ट्रेड किया था, तब जाके पैसा बनाया। तो सुबह का एक सेटअप, दोपहर का एक सेटअप, मोर देन एनफ। और सेटअप क्या होता है? सिंपल ट्रांजेक्शन, टॉप पे ठोको, बॉटम पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी लो। ये अगर आपने सीख लिया तो पैसा बन जाएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा याद रखना। अब वो नहीं जो किताब में लिखा जाता है, मैं बताऊंगा अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्या है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, नंबर मेरा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखो 8468151500, इससे व्हाट्सअप कर दो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पे मैं सिखाता हूँ आपको, 10 से 15 दिन की हमारी क्लास होगी, बेसिक से लेकर एडवांस देंगे। इसके अलावा 6 महीने का मेंटरशिप होगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट दे रहा हूँ। सीखते हैं, साथ में समझते हैं और कुछ लाइव एनालिसिस का भी मजा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी। मोर इंपॉर्टेंट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।